प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। है मेरा बचपन सऊदी अरब में गुजरा है और मैंने 7 हज किए हैं, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ सवालात थे एक मुसलमान होने की हैसियत से, जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं है। तो मैंने भी जब भगवत गीता पढ़ी आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे जवाबात मिलना शुरू हो गए। तो आपने क्या ऐसा फर्क महसूस किया भगवत गीता में और कुरान में? जमीन और आसमान का, एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर और मुझे अपनी बातों को रखने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे थे उस वक्त, उसका जवाब हमारे इस्लाम के ठेकेदारों को देना चाहिए था और बहुत सारे हवालों से देना चाहिए था। और जब भी मुझे वो टर्न करने की कोशिश करते थे शरिया लॉ पे या बहिश्ती जेवर पर या सही अल बुखारी पर, तो मैं उनसे यही कहती थी कि जो मुसलमान 4 अलहामी किताबों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कुरान के साथ साथ, वो शरिया लॉ को क्यों मुझसे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा है? हमारी 5 अलहामी किताबें थी, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान। बाइबल के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, चर्च के अंदर एंटर भी नहीं करना चाहते हैं मुसलमान। तो जब अलहामी किताब जो अल्लाह तबारक ताला ने खुद नाजिल किया, उन 4 को ये लोग रोज बेइज्जत करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन हमारे इस्लाम के ठेकेदारों में कैसे आ गया कि नाज़िया इलाही खान शरिया लॉ और सही अल बुखारी और बहिश्ती ज़ेवर को एक्सेप्ट करेगी सुनना? तो मैंने कहा अल कुरान से ही आप मुझे रेफरेंस दीजिए कि जो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं ये क्यों रहे हैं, और उसको आप क्लियर कर दीजिए। पर कोई क्लियर नहीं कर पाया, कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो गलत चीजें हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारी मानवता के सामने आकर के खड़ा हो जा रहा है, जो एक प्रॉपर इंसानियत के सामने जो आयतें और जो सूरतें आकर के खड़ी हो जा रही हैं, हमें उसके बारे में बात भी करने की जरूरत है और उसको हटाने की भी जरूरत है और अल कुरान को रिसर्च में डालने की भी जरूरत है। और तब से मैंने सोचा कि भाई हमें तो, हम मुसलमानों को तो जितनी भी रिलीजन की किताबें हैं उससे बहुत दूर रखा जाता है। हम अगर कह दें कि हम बाइबल पढ़ेंगे तो साफ कह दिया जाता है कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। हम अगर कह दें कि भगवद गीता पढ़ेंगे तो साफ कह दिया जाता है कि हाय अब तो तुम मुसलमान ही नहीं रह जाओगी। तो इसलिए मुझे और भी तब इंक्विजिटिवनेस आना स्टार्ट हो गया, मुझे और भी जिज्ञासा आना स्टार्ट हो गया। हम हजारों किताबें पढ़ते हैं, लाखों किताबें पढ़ते हैं, अभी तक इस उम्र 32 साल की उम्र में मेरे ख्याल से मैंने आई थिंक 5000 से ऊपर किताबें पढ़ी होंगी, सिलेबस की बुक से लेकर के और बाकी सारी किताबों को मिला करके। तो मैं भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? तो मैंने पढ़ा और तब मुझे डिफ्रेंसिएशन समझ में आया कि एक रिलीजन बुक है जो मानवता की बात कर रहा है और एक रिलीजन बुक है जो गुस्ताख़े रसूल की सजा सरतन से जुदा की बात कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे नजर आई तो मैंने बोलना स्टार्ट किया। देखिए नाज़िया जी, सवाल के जवाब आप जिनसे मांग रही हैं उनको खुद नहीं पता, और जहां तक आप कुरान की बात कर रही हैं, तो मैंने जो स्टडी किया है वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में तो कुरान लिखा नहीं गया, और उनके मरने के बाद भी तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के जमाने में कहा गया कि लिखो कुरान। तो जब लिखना के लिए ढूंढा तो पता चला कि किसी के पास चमड़े पे लिखा हुआ है, किसी के पास कपड़े पे लिखा हुआ है, किसी ने याद किया हुआ है, और सबको बुलाया गया तो अलग अलग चीजें आ रही थी, लेकिन जबरदस्ती कंपाइल किया गया। और फिर हजरत अली आए, उनके पास कुरान दूसरा था, लेकिन फिर इन्होंने कंप्रोमाइज करके सबने मिलके एक कुरान बनाया। वो भी चलता रहा, और फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आए, उस वक्त तक हाथ से ही लिखे जाते थे कुरान, और प्रिंटिंग प्रेस आए तो मुल्लाओं ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दे दिया, तो प्रिंट नहीं हो सका कुरान। तो 1913 में जामिया अजहर कैरो ने कुरान प्रिंटिंग प्रेस को हलाल करार दिया और कहा कि कुरान छापेंगे।
तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हाथ से लिखे हुए कुरान थे, तो इंडोनेशिया, भारत, दूसरे मुल्कों से कुरान मंगवाए गए, सबके अलग अलग कुरान थे। तो ये 100 साल पहले तो वो कुरान वापस रीराइट किया गया है। तो आपका क्या ख्याल है कुरान की ऑथेंटिसिटी के बारे में, क्योंकि जो चीजें हैं रहीम और करीम अल्लाह से मंसूब के भाई अल्लाह ने ये कहा है, तो क्या आप समझती हैं कि कुरान में ये सब जेन्युइन चीजें हैं? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं समझती हूँ कि कुरान में सारी चीजें जेन्युइन हैं। द सेकंड थिंग इज के आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। कुरान को जब हम पढ़ते हैं ना अल्फाई, तो हम उसको सिमिलर कंटेक्स्ट में पाते भी नहीं है। जैसे हम अपने सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं तो उसके चैप्टर होते हैं, तो आप कुरान में जब पढ़ रहे हैं तो कभी हजरत अली के बारे में, कभी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, कभी उनकी 12 शादियों के बारे में, कभी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, कभी सफिया के बारे में, कभी बीबी फातिमा के बारे में, मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो सिमिलर नहीं है। आयतें और वर्सेस इंस्टेंट चेंज हो जाती हैं, इंस्टेंट। आप 4 लाइन पढ़ रहे हो हजरत अली के बारे में, उसके बाद अचानक से हजरत यूसुफ आ जाते हैं। शायद आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा कुरान के बारे में, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कुरान पढ़ते वक्त। अगर आप कुरान को, अल कुरान को जब आप खोलते हैं और उसमें आप बहुत सारी चीजें आप खोजने की कोशिश करते हैं, तो आपको नहीं पता होगा कि भाई अभी अभी मरियम अलैहिस्सलाम को हम यहाँ खोज रहे हैं, फिर अचानक से कौन से पारे और सूरत में आ जाएगा। जैसे मैंने बहुत अर्ली एज में एक चीज पकड़ी थी, बहुत अर्ली एज में, व्हेन आई वाज लाइक 12 or 13 ईयर ओल्ड, बहुत लोग दुआए गंजुल अर्श पढ़ते थे, बहुत लोग। और जब मैंने कुरान, अल कुरान के अंदर गाफ ढूंढना स्टार्ट किया तो गाफ था ही नहीं। तो फिर मैंने पूछा अपनी मम्मी से कि दुआए गंजुल अर्श आया कहाँ से, जब पूरे अल कुरान में गाफ है ही नहीं, गाफ है ही नहीं, तो दुआए गंजुल अर्श आया कहाँ से। अब शी इज लाइक कि सवाल तुम्हारा सही है, पर इस्लाम की अनुमति नहीं है कि मैं इसका जवाब ढूंढू। और तब मेरे इस सवाल 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 से वो भी थक गई और कही कि रुको, ढूंढना तो जरूरी पड़ गया। तो मुझे 17 साल की उम्र में उन्होंने बताया कि दुआए गंजुल अर्श इज फेक एंड यू वाज राइट नाजिया, तुम सही थी। जब पूरा कुरान गाफ वर्ड को यूज ही नहीं कर रहा है तो दुआए गंजुल अर्श कैसे आया? तो ये मैंने जस्ट एक रेफरेंस और एग्जांपल दिया है जो हमारे मुसलमानों के पास नहीं है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि आखिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। क्यों हजरत आयशा को खिला पिला करके मोटा किया गया, उनको तंदुरुस्त किया गया, और जब जमात बैठती थी तो औरतें उनको बधाई देती थी कि भाई अच्छा हुआ कि तुम बहुत तगड़ी हो गई हो, तुम बहुत मोटी हो गई हो। दिस इज क्वाइट वेरी वल्गर, क्वाइट वेरी वेरी वल्गर। आज आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 13 ईयर ओल्ड सन, अगर वो बेटी होती और कोई मुझे ये कहता कि अरे वाह तुम्हारी बेटी तो बहुत तगड़ी हो गई है, तुमने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, तो शायद मैं तमाचा खींच के लगा देती कि मेरी बेटी के बारे में तुमको ये हक किसने दिया इस तरह से बात करने का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, पर हमारी नजरें झुक जाती हैं। जैसे मुझे एक चीज बड़ा बड़ा अजीब लगा शुरू से, स्टार्टिंग से ही, जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया मैंने कुरान को, और मैंने काफी लैंग्वेजेस में इसको समझने की कोशिश की है। जैसे हमारे में सूरह अल अहज़ाब के हिसाब से कि भाई हम अडॉप्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से शादी निकाह पढ़ लिया था, हज़रत ज़ैद अलैहि सलाम की अहलिया बीवी से। 4 बीवियां रख सकते हो भाई बिस्तर पर अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, 4 बीवियों के ऊपर तुम्हारे फराइज हैं, ये अल कुरान कह रहा है, सुन्नत रसूल कह रहा है कि तुमको उसको खिलाना है, पहनाना है, उसकी उसकी जरूरियात पूरी करनी है। पर ऑन दी अदर है ना, हमारा कुरान एक अडॉप्टेशन बना कर रहा है, गुनाह कह दे रहा है। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ज्यादा मुझे अजीब लगा कि मानवता की पहली सीढ़ी को अल कुरान और हमारा सुन्नत रसूल गुनाह कह रहा है, और ठरकबाजियों को हमें बताया जा रहा है कि ये तो सुन्नत है, हम 4 बीवियां रख सकते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? अगर एक इंसान होने के नाते आरिफ भाई हम सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई मर्द मुझसे ये कहता है कि भाई 4 बीवियां तो सुन्नत रसूल है, हम तो रखेंगे, तो मैं उनको यही जवाब दूंगी कि तुमसे ज्यादा जलील
और ठरकी आदमी और ठरकबाज आदमी और अश्लील आदमी मेरी नजर में कोई नहीं होगा। अगर अल्लाह तबारक ताला ने तुमको इतना इनकम दिया है, इतना आराइश दिया है और इतनी फैसिलिटीज दी है, तुम फिनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, तो काइंडली दो बच्चों को अडॉप्ट कर लो, उनको अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी जिंदगी दे दो, अच्छी परवरिश दे दो, अपना नाम दे दो, अपना छत दे दो और अपनी तरह उनको जिंदगी दे दो। शायद इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो मुझे बहुत बुरी लगी। अब जैसे मैं भारत में रहती हूँ और भारत में गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा बहुत उड़ता है, तो मैंने कहा कि भाई हजरत अली का मर्डरर कौन था? उनके बगल का नमाजी था। हमारे शब्बीर इमाम हसन हुसैन को किसने मारा था? मुसलमानों ने मारा था, कोई सनातनी तो नहीं आकर के मारा था। तो आज मुसलमान किसी के भी साथ रहे, आज पाकिस्तान में देखिए सब तो मुसलमान ही है, 99% मुसलमान है, तो फिर एक दूसरे का गला क्यों काट रहा है, बम क्यों फूट रहा है, मस्जिदें क्यों तोड़ी फोड़ी जा रही है, बच्चियों का बलात्कार क्यों हो रहा है, एक लड़की अगर एरोबिक में खूबसूरत खुद को खूबसूरत बोल दे रही है लिख करके, तो उसको कपड़ा उतारने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो व्हाट इज दिस इस्लाम? या तो इस्लाम खूबसूरत है, मुसलमान खराब है, और या तो मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम ने मुसलमानों को बदसूरत कर दिया है, दो में से कोई एक बात तो जरूर है। और दोनों ही बातें हमारे इस्लाम समाज के ठेकेदार ना सुनना पसंद करते हैं और ना बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरिफ अजाकिया साहब और नाजिया लाई खान जी का ये जबरदस्त डिस्कशन और एक धमाकेदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने बात की भगवत गीता वर्सेस कुरान के बारे में और खासकर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और ना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया पर उसी माध्यम से मजहब के ठेकेदारों और शांति दूतों को भी जम के उधेड़ के रख दिया। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।